अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो जी, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अपने न्यू मोबाइल फ़ोन की, जो कि है Xiaomi Redmi Note 9 Pro। Note सीरीज़ का ये पाकिस्तान में टॉप एंड मोबाइल फ़ोन है, जिसकी प्राइस है 45,000 रुपीज़ की। जी, तो मैं इसका रिव्यू देने लगी हूँ और मेरा फोकस इन जनरल इसके यूजेज पर ही है, क्योंकि अगर इसकी आपने ख़ास स्पेसिफिकेशंस देखनी है तो उसके लिए आपको और यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होंगी। बट जहाँ तक दो हफ्तों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ऑसम मोबाइल फ़ोन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट है और लुक वाइज बहुत ड्यूरेबल लग रहा है। अभी तक तो इस पर एक स्क्रैच भी नहीं आया और इसकी बैक जो है वो ग्लास की है, फ्रंट भी गोरिल्ला ग्लास है। लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। सबसे मज़े की बात, कलर इसके बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल हैं, डे टाइम में भी बहुत अच्छा नज़र आता है। इसका डिस्प्ले बहुत डिसेंट है और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको यूज़ करोगे तो यूज़ करने में ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। साथ साथ इसको ओपन करते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसके साथ इसका बैक कवर और जो जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक चार्जर और वायर वग़ैरह, वो सब अवेलेबल है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसकी बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम होती है, लाइक आप जितनी भी गेम्स खेलो ये हीटअप बिल्कुल नहीं होता। और अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो डेढ़ दिन तक इसकी बैटरी रहती है, और अगर कम थोड़ा यूज़ करते हो तो दो दिन तक इसकी बैटरी रहती है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसकी बैटरी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा P21 नैनो कोटिंग की वजह से ये वाटर रेजिस्टेंट है, लाइक अगर आप इसको पानी में एक मिनट के लिए भी डालोगे या गलती से पानी में चला जाता है तो इस पर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसके ऊपर पानी गिर जाता है तो इसके ऊपर पानी रुकेगा भी नहीं, बल्कि फ़ौरन से ही वैनिश हो जाएगा। साइड पे इसका सिम स्लॉट है, जो कि अब ओपन हो रहा है। इसमें दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड, अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप इसमें इजीली मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी अपनी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है। वेल, अब तक ये दो हफ्तों से यूज़ हो रहा है और जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसकी बैटरी टाइमिंग्स बहुत ही आला है, डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है और स्पीड इसकी बहुत ही फास्ट है, यानी कि हल्के से टच से भी इसका काम हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि मिड रेंज में और मोबाइल्स में अवेलेबल नहीं है। अगर आप बहुत ही हाई एंड मोबाइल यूज़ करते रहे हो, या जिसे कहते हैं फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन्स, अगर आप उनसे इसमें कन्वर्ट होना चाहते हो तो ये आपके लिए बेहतरीन मोबाइल है मिड रेंज के अंदर, क्योंकि इसमें वो तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे और एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन में होती हैं। और सबसे मेन चीज़ इसका कैमरा, जो कि बहुत ही आइकॉनिक है। बैक 64 मेगापिक्सल और फ्रंट 16 मेगापिक्सल कैमरा है और इसका रिज़ल्ट ऑसम है, बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर कैप्चर करता है और इमेज क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। आउटडोर के लिए ये इतना ज़बरदस्त है और इसके कलर्स इतने खूबसूरत आते हैं जैसा कि आपने DSLR में पिक्चर्स ली हों। ये पिक्चर काफ़ी दूर की थी लेकिन फिर भी इसने सब कुछ कवर किया है, और पोर्ट्रेट इमेज भी लिए हैं मैंने और हर तरह से इसको चेक किया है, जहाँ से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और इसका स्लोमो देख लें, कितना बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है इसमें भी। ओके, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन विद ऑल फीचर्स एंड क्वालिटीज़, जो कि एक हाई एंड मोबाइल फ़ोन में या फिर फ्लैगशिप डिवाइस में होती हैं। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फ़ोन
प्लस इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.